हाय फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आज लेकर के आई हूँ स्पाइसी आलू फ्राई, जिसे हम व्रत में खाते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में एक चम्मच घी लिया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच सौंफ। अगर आप सौंफ और जीरा नहीं खाते तो इसे स्किप कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से करी लीव्स, जो कि हमारे आलू को बहुत ही अच्छा एरोमा देगा। यहाँ पर मैंने एक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड किया है। इन सबको अच्छे से एक मिक्स कर लें। और फिर हमें ऐड करना है आलू। आलू को मैंने दो सीटी आने तक बॉईल कर लिया है और इसको ऐसे कट कर लिया है। हमें ये आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे एक मिनट के लिए फ्राई करना है। आलू को बिल्कुल हल्के हाथों से चलाएं। फिर हमें इसमें ऐड करना है एक छोटी चम्मच काली मिर्च और सेंधा नमक स्वाद अनुसार। तो इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आप काली मिर्च नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमें इस आलू को 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है बिना कवर किए। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक गोल्डन लेयर आ गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हो गया है। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता और हमारा जो स्पाइसी आलू फ्राई है वो बिल्कुल रेडी है। तो इस नवरात्रि ज़रूर ट्राई करें ये स्पाइसी आलू की रेसिपी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चाहें तो इसमें मूँगफली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ये देखिए हमारा जो स्पाइसी आलू फ्राई है वो बिल्कुल रेडी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।